हाय गाइस, कैसे हो आप। आज बनाऊंगा मैं क्रिस्पी एग प्लांट विद ब्लैक बीन सॉस। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये लिया हमने बैगन और इसको हम फिंगर कट में काटेंगे और हमने आगे पीछे से काटा और इसके चारों साइड से हल्का हल्का काट लेंगे और आप देख सकते हैं इसी प्रकार काटें और हम इसके अब फिंगर कट में काटेंगे। ये आप देख सकते हैं और इसके बाद इतने ही मोटे और इतने ही लंबे काटें, ज़्यादा पतले भी ना करें, उससे आपका एग प्लांट बिल्कुल सॉगी हो जाए। और इसमें हमने डाला एरोमेट पाउडर, सॉल्ट और चिल्ली पेस्ट। इनके अलावा और कुछ ना डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और इसके ऊपर से कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हल्के हाथों से मिक्स करें। कॉर्नफ्लावर से अच्छी कोटिंग करें जिससे आपका एग प्लांट बिल्कुल क्रिस्पी बना रहे हैं। देख सकते हैं आप मैं कैसा कर रहा हूँ। और बीच बीच में हल्का इसमें पानी डालते रहें जिससे ये बैटर को अपने ऊपर ले लें। तो चलो दोस्तों, ये हमारा ऑयल हीट में है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे डालें और इसको हमें क्रिस्पी करना है। जितना क्रिस्पी होगा उतना ही खाने में मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं, देखें दोस्तों, ये हमारा फ्राई हो रहा है और ये हमारा फ्राई डन हुआ। और ये लिया हमने होल ब्लैक बीन, इसको चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद डाला हमने ऑयल और जिंजर गार्लिक, ड्राई रेड चिल्ली। इसके बाद डालेंगे इसमें हम होल ब्लैक बीन और इसको बढ़िया से टॉस करेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे चिल्ली पेस्ट 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें डालेंगे हम पानी ज़्यादा ना डालें, जितनी सॉस बनानी उतना ही डालें। इसके बाद एरोमेट, सॉल्ट हल्का, शुगर, चिल्ली ऑयल, डार्क सोया, और ये डाला हमने कॉर्नफ्लावर, गोला हुआ कॉर्नफ्लावर, जिससे हमारी सॉस गाढ़ी बने। थोड़ा हो डाला, आप देख सकते हैं हमारी ब्लैक बीन सॉस तैयार है। और इसमें हल्का डालेंगे हम वाइन, कुकिंग वाइन, ये आप देख सकते हैं। इसको और क्रिस्पी प्लांट को दोबारा हम फ्राई करेंगे जिससे कि क्रिस्पी बना रहे। और ये हमने प्लेटर में रखा, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्रिस्पी है। दोस्तों ऊपर से ऊपर और रखते रहें और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है क्रिस्पी एग प्लांट। और इसके ऊपर से ब्लैक बीन सॉस डाल दें। तो देख सकते हैं दोस्तों कैसी लगी मेरी रेसिपी। दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही वीडियो के लिए। और ऊपर से डाला हमने सेसमी सीड व्हाइट्स और ऊपर से डाला गार्निश में बीटरूट एंड कैबेज।